यस, क्लास 12th अपन ने पोटेंशियल यानी विभा को कर लिया था। आज से मैं आपको धारिता बताता हूं। धारिता का मतलब क्या हो गया? चालक द्वारा आवेश को रखने की क्षमता। चालक द्वारा आवेश, एक चालक अपने ऊपर कितने आवेशों को रख सकता है, यह क्या कहलाती है? चालक की धारिता कहलाती है। मान लो ये एक चालक है, कंडक्टर है। मैंने इसको प्लस Q आवेश देना शुरू किए, तो जैसे जैसे मैं Q को आवेशों को ट्रांसफर करता जाता हूं, तो Q समानुपाती V, इसका विभव कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आवेश देना शुरू करिए, विभव बढ़ता जाएगा। तो Q इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है? C इंटू बी। समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदल दीजिए, और इसमें जो कांस्टेंट या अचर राशि आती है इसको मैं सी से शो करता हूँ, और ये सी जो रहता है यह मेरे पास चालक की धारिता कहलाती है। चालक की धारिता के सूत्र को देख लीजिए। क्यू क्यू का यूनिट क्या हो जाता है? कूलाम। वी का यूनिट बोल्ट। ठीक, 1 कूलाम अपॉन 1 बोल्ट, इसको मैं 1 फेराड बोल देता हूँ, तो इसका यूनिट मेरे पास फेराड हो जाता है। तो चालक की धारिता का सूत्र, इकाई फेराड कहलाती है। इसको और अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया, ये एक कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर या चालक था, इसके ऊपर मैंने प्लस Q आवेश दे दिए। ये दे दिए, ये प्लस Q आवेश दिए। प्लस Q आवेश देने से क्या हो गया? इसके ऊपर विभव बढ़ गया। समानुपाती के चिन्ह को बराबर में कन्वर्ट करिए, तो कांस्टेंट ले लिया, तो इस कांस्टेंट C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का यूनिट मैंने अभी क्या बताया? कूलाम। और आवेश का यूनिट क्या कहलाता है? वोल्ट। इस पूरी यूनिट को मैं फेराड से शो कर लेता हूं। ठीक, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी फेराड आ जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसको मैंने डिफाइन तो कर दिया सी, तो सी का मीनिंग क्या होता है ये समझिए। सी यानी चालक को आवेशों को रखने की क्षमता। तो अगर मैंने, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी अगर हमने किसी चालक को आवेश देना शुरू किया, और जैसे जैसे हम आवेश देते गए तो उसका विभव कितना बढ़ गया? 1 वोल्ट हो गया। और जैसे ही 1 वोल्ट हो जाएगा तो C इक्वल टू इस फॉर्मूले में किसके इक्वल आ जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, इसलिए यदि किसी चालक का विभव एक वोल्ट से बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो चालक का चालक की धारिता उस पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या
बराबर होती है। देखिए, यदि आप जैसे जैसे एक चालक को आवेश देते जाते हैं तो इसका विभव कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन इस फॉर्मूले में मैं सी को धारिता बोल रहा हूँ, ये कितने आवेश करता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने इस चालक के ऊपर क्यू आवेश दिए, जिससे विभव कितना हो गया, 1 वोल्ट बढ़ गया। जैसे ये विभव 1 वोल्ट बढ़ता है तो कुल आवेशों की संख्या इस सी के बराबर हो जाती है, यानी किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से आप बढ़ा दीजिए, ठीक। तो उसको 1 वोल्ट विभव बढ़ाने पर जितने भी आवेश देने की जरूरत होती है वह उसकी धारिता कहलाती है। धारिता का इकाई मेरे पास क्या है, फैराड है। तो ये धारिता का मतलब है, ये पेन की धारिता अगर मेरे को निकालना है तो इस पर आप क्या कर दीजिए, चार आवेश दीजिए, और इसको आवेश देने पर जितना आवेश देंगे और जब विभव का मान 1 वोल्ट बढ़ जाएगा तब वह आवेशों की संख्या इसकी कुल धारिता कहलाती है। तो देखिए, मैं एक चालक को लेकर चलता हूँ, गोलाकार चालक, गोलाकार चालक की धारिता, देखिए गोलाकार चालक की धारिता निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक ये गोलाकार चालक ले लिया, गोलाकार चालक के ऊपर मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिए, ठीक। इसकी त्रिज्या आर के बराबर ले लिया, जैसे ही मैं इसको क्यू आवेश देता हूं तो इसका विभव कितने के बराबर हो जाता है, वी के मान के बराबर। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन हो गई, ये चालक है, इसकी त्रिज्या आर है, का आवेश कितना है, वी के बराबर। तो मैं यहां पर लेता हूं, यदि गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या, आर है, उस पर विभव वी बढ़ाने के लिए आवेश क्यू दिए जाते हैं तो। देखो, अगर मैंने ये चालक लिया, इस चालक पर आवेश क्यू दिया और जैसे ही मैंने इसका विभव वी वोल्ट बढ़ाया तो इसको हमें कितना आवेश देना पड़ रहा है, क्यू आवेश देना पड़ा। तो जैसे ही मैं क्यू आवेश देता हूँ तो इस पर विभव वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वोल्ट हो जाता है। इतना वोल्ट इस या इतना विभव इस चालक क्यू के ऊपर आ जाता है। अब देखिए, अगर मेरे को इसकी धारिता निकालना है तो धारिता निकालने के लिए मैं एक यहाँ पर जो अभी मैंने किसी चालक की धारिता के लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मेरे को यहाँ पर धारिता निकालना है तो C इक्वल टू कितने के बराबर होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वी कितने के इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया क्यू अपॉन आर। ये क्यू और क्यू कैंसिल, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, यानी हर का हर अंश में परिवर्तित हो जाता है। तो
तो जब मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास क्या कंडीशन आती है, ये कंडीशन आ जाती है c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब देखिए इस पूरी कहानी में ये आपके पास कैसा है, अचर है, ये वाली राशि क्या कहलाती है, अचर, ठीक। इसलिए c समानुपाती कितने के बराबर हो गया, r के मान के बराबर। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, ये रिजल्ट निकालता है कि अगर किसी चालक की धारिता को आपको बढ़ाना है तो चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए आपको उसका आकार या साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी, जैसे ये वाला पेन है, इसकी धारिता मान लो 100 कूलम चार्ज को रखने की है, अब मैं इसको और धारिता को बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका शेप और साइज हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या है, जब मैं यहाँ पर फिजिक्स की डिवाइसेस करता हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, मेरे को इसकी धारिता बढ़ाना है। एक्चुअल में चालक की धारिता हम बढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि हम आवेश को रखना चाहते हैं, और आवेश को रखेंगे तो ऊर्जा एकत्रित होती है, और इस एकत्रित ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की वैद्युत उपकरणों में करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर मेरे को ज़्यादा आवेश करना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, और साइज बढ़ाने के लिए मेरे को अलग अलग हर बार इसका शेप साइज बदलना पड़ेगा, जो लाइफ में हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम एक डिवाइस बना लेते हैं, इस डिवाइस को मैं क्या बोल देता हूँ, संधारित्र बोल देता हूँ, ये संधारित्र आ जाता है, ठीक। इसी संधारित्र की हम स्टडी करते हैं, तो ये संधारित्र जो रहता है वह है युक्ति है इसके द्वारा किसी चालक का आकार या आकृति बदले बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी चालक की धारिता को हमें बढ़ाना है, ठीक, या हम किसी चालक की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसका शेप और साइज परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, तो वह जो डिवाइस बनती है उस डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, संधारित्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं संधारित्र का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका प्रिंसिपल अंतर सिद्धांत बताकर इसके अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं।